तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार की अपनी एक टेक्सटाइल पॉलिसी जिसको कहा जाता है, बहुत दिन से आप लोग इंतजार में थे, वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इस प्रोत्साहन नीति के बारे में कुछ ब्रीफ हम लोग बताना चाहते हैं कि इसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको दो भाग में बांटा गया है। इसमें श्रेणी ए और श्रेणी बी, दो श्रेणी में इसको बांटा गया, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में जो है वो बुनाई, निटिंग, पोशाक परिधान, पोशाक एवं परिधान उपस्कर, होसरीज, चर्म, कृत्रिम चर्म परिधान, चर्म एवं कृत्रिम चर्म एवं जूते एवं सभी प्रकार। कहने का मतलब है श्रेणी एक में वो सब हैं जो हमारे शर्ट का या पैंट का फैब्रिकेशन है, और जिसमें कपड़े की सिलाई होती है, मतलब जिस दिन में सिलाई का मामला है वो सब श्रेणी ए में है, जहाँ पे सिलाई मशीन पे लोग बैठेंगे और सिलाई का काम करेंगे। साथ ही साथ जूते चप्पल का निर्माण भी श्रेणी ए में है, जो जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। श्रेणी बी में है स्पिनिंग है, गिनिंग है, जो वस्त्र का निर्माण है, मतलब जो आपके कपड़ों का निर्माण है, कपड़ों का धागा का निर्माण है, जिसमें लेबर कम लगता है, किंतु टेक्सटाइल सेक्टर में आते हैं, मतलब टेक्सटाइल का प्रोसेस है, प्रिंटिंग है, तो ये सब आपके श्रेणी बी में। तो ये पहला समझना है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी में ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल और लेदर जिसको कहा जाता है, लेदर भी चर्म भी है, उसको बांटा गया। अब जो स्थाई जो हमारी 2016 की पॉलिसी उद्योग नीति, वो सब उसको दे होगी, मतलब सब जो 2016 में आपको दी जाएगी, जो भी इंसेंटिव दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि 2016 पॉलिसी में क्या दिया जाता है, लेकिन 2016 पॉलिसी के बाद, अरे भाई थोड़ा अभी इसमें हो जाएगा तो फिर कुछ और लिखा जाएगा। तो 2016 की जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 2016 की सारी पॉलिसी अप्लीकेबल है, 2016 की हाई प्रायोरिटी पॉलिसी भी अप्लीकेबल है, लेकिन उसके अलावा क्या हम टेक्सटाइल सेक्टर को दे रहे हैं। इसमें पहले तो है कि हम लोग वो सब चीज़ें दे रहे हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड यह है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग का स्लंप हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, और विभिन्न विश्व भर में अन्य देशों में जो स्लंप हुआ, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गया इंडिया में। सभी राज्यों ने अपने अपने टेक्सटाइल पॉलिसी अपनी घोषणा शुरू कर दी, और विभिन्न राज्यों में ये निवेश जो करने वाले हैं वो अपने घूमने लगे, मुख्य रूप से आपके उत्तर प्रदेश जाने लगे, मध्य प्रदेश जाने लगे, राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में जाने लगे। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोग बिहार, जो जहाँ पे हमारे जो बिहारी वर्कर्स हैं, आपको चनपटिया वाला बात पता ही होगा, चनपटिया में आपके जो हमारे जो टेक्सटाइल का छोटा सा पार्क है, हमारे मोटा मोटी करीब 80-90% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं वो सब हमारे बिहारी हैं। तो हम लोग का ये था कि सारे जो वर्कर्स हैं वो बिहार वापस आएँ, यहाँ निवेश का आए, और जो बाकी यार यहाँ पे काम हो, इस उद्देश्य से कि यहाँ पे उद्योग लगे और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी वापस आके यहाँ काम करें, इस उद्देश्य से हम लोगों ने भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनाई। मतलब ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसके अलावा ये अन्य राज्य नहीं देती है, तो ये हाईएस्ट पॉलिसी। इसमें पहला है हम लोग ये पूंजीगत अनुदान, तो कैपिटल सब्सिडी हमारी अन्य पॉलिसीज में यूजुअली नहीं है, केवल एक फूड सेक्टर में है और एक वुड सेक्टर में। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हम लोग 15% की कैपिटल सब्सिडी लेकर आए। दूसरा है माल भाड़ा का के प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन। तो बहुत ये जो टेक्सटाइल है ये सब जाएगा आपके हल्दिया पोर्ट से जाएगा एक्सपोर्ट होने, या आपके बंदरगाह में, आपके बॉम्बे बंदरगाह में एक्सपोर्ट होने जाएगा, या एयर कार्गो में जाएगा जो एक्सपोर्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, हो सकता है हमारा यूनिट नरकटियागंज में हो, बेतिया में हो, या मुजफ्फरपुर में हो, दरभंगा में, कहीं भी हो सकता है, मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी जगह में। तो जो भाड़ा लगेगा, उसका 30% एक्सपोर्ट वाला भाड़ा, मतलब जनरल लोकल भाड़ा नहीं है, 30% जो भाड़ा लगेगा उसका हम प्रतिपूर्ति करेंगे, और उसकी अधिसीमा 10 लाख होगी, 10 लाख प्रति यूनिट, प्रति यूनिट अधिकतम है।
अधिकतम अधिकतम पर प्रति वर्ष है, तो हमारा भाड़ा के लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है। तो विदेश के लिए गारमेंट तो विदेश का ही है ना, अब चाइना में नहीं बन के यहाँ बनेगा तो एक्सपोर्ट होगा किसी कंट्री में, यूरोप होगा, अमेरिका होगा, कहीं कंट्री में होगा, तो उसका जो भाड़ा है उसका 30% भाड़ा हम देंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मतलब ये आपने कभी हमारी अन्य पॉलिसी में सुना भी नहीं होगा, कि हम वेतन देंगे, वेतन के अनुपात हम लोग 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना वेतन सब्सिडी देंगे। ये कभी आपने किसी पॉलिसी में सुना नहीं होगा कि आप वर्कर रख लीजिए और सरकार उसको 5,000 रुपये अधिकतम है, 3,000 का एक लिमिट है, 4 है 5 है, अर्धकुशल है 3,000, कुशल है 4,000 और उच्च कुशल है 5,000। तो तीन प्रकार के वर्कर हैं, और ये ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ नहीं होता, ईपीएफ आपको देखा जानते होंगे, उसका 300 गुना ये बराबरी में होना चाहिए, मतलब जो 3 times ईपीएफ और 5,000 विच एवर रिसीवर्स देगा। बहुत सिलाई मशीन आप देखते होंगे, बहुत बिजली से चलती है और बहुत बिजली आधारित है, तो प्रति यूनिट 2 रुपया सब्सिडी है प्रति यूनिट। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवर्तन से, इस थोड़े से एडिशन, ये एडिशन है, पहले तो बिजली सस्ती हो गई, लेबर का जो लेबर फोर्स का जो क्या कहते हैं सैलरी सस्ती हो गई, 5,000 रुपये बच गए हमारे जो इसके एम्प्लॉयर के, और तीसरा भाड़ा भी आ गया और कैपिटल सब्सिडी भी हो गई। तो बिहार राज्य में वस्त्र उद्योग लगाना सबसे आसान हो गया। नहीं नहीं, ये तो लोकल भी है, लोकल भी, मैं केवल भाड़ा एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, भाड़ा एक्सपोर्ट के लिए है, बाकी सब तो लोकल के लिए भी है। अब यहाँ बना के बॉम्बे बेचिए, दिल्ली बेचिए, तो बाकी सब है। बीटा में SDRF का मुख्यालय भवन बनेगा, आपको जानकारी होगा, बीटा में जहाँ पे होमगार्ड का और SDRF कॉलेज चल रहा था, तो 267,24,00,000 रुपये का भवन बनेगा। तो SDRF का मुख्यालय होगा, उसमें ट्रेनिंग भी होगा, उसमें ऑफिस चलेगा और मॉनिटरिंग सब होगा। ये बिल्डिंग है जो अप्रूव हुआ है। दूसरा एजेंडा था जो 50 करोड़ BCF, ये हमारा जो आकस्मिकता निधि से एडवांस निकाला है, ये जो मद्य निषेध और उत्पाद विभाग द्वारा जो रेट्स किए जाते हैं, एक्साइज रेट्स किए जाते हैं, उसी का खर्चा है, बहुत सारा पेमेंट है, गाड़ियां हैं, रेड है, ड्रोन है, सबका पेमेंट के लिए है, तो 50 करोड़ का BCF निकाला गया है। तीसरा एक ये है कि बोधगया अंचल मोजा बोधगया के विभिन्न खाता खेसरा में अवस्थित 30 एकड़ भूमि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा, आपको जानकारी होगा कि हिस होलीनेस दलाई लामा के ब्लेसिंग से नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा गया में बनाया जा रहा है, तो सरकार ने उनको निःशुल्क भूमि दी थी, उसके अतिरिक्त उन्होंने प्राइवेट ज़मीन भी एक्वायर की है, उसी का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है सरकार ने विमुक्त किया है, तो रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा जो प्राइवेट ज़मीन है। सरकार ने तो अपनी ज़मीन दे ही दी थी, लेकिन जो प्राइवेट ज़मीन है उसका भी कर दिया, ताकि वो बहुत बड़ा कैंपस हो जाए और एक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो है नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा जो है, हाँ रजिस्ट्रेशन, केवल रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन का पैसा कोई प्राइवेट से उन्होंने दान, बहुत लोगों ने दान भी दिया, उसका रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लग रहा था उसी को, मेरी जानकारी नहीं है उसको गया है, पहले कंसल्टेशन ये कंसेंट की जगह शब्द कंसेंट को शब्द कंकरेंस से प्रस्ताव, पहले कंकरेंस था उसको चेंज करके कंसेंट कर दिया गया, तो जो मीडिएशन का जो शुल्क होता है तो उतना ही संशोधन किया। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत नवनियुक्त एवं नियुक्त होने वाले शिक्षकों की क्षमता वर्धन तथा नया उभरते तकनीक की जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु IIT पटना और NIT पटना को नामित करें। तो NIT पटना और IIT पटना ये कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, एक वो प्रस्ताव है। दूसरा बीटा में, दूसरा प्रस्ताव है बीटा बाढ़ में बान अनुमंडल में नव स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक बाढ़ में उसका
विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता और अन्य सभी विकास कार्यों के लिए 72,79,00,000 का प्रावधान स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ हमारे जो नेक्स्ट एजेंडा है, 7वां नंबर एजेंडा है, उसमें 35 जिलों में स्थापित संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में लाइब्रेरी, कर्मशाला, प्रयोगशाला, छात्रावास और सभी मशीन उपस्कार में 105,50,00,000 रुपये व्यय करने की स्वीकृति है। 8वां है वित्त विभाग, मेरा ही विभाग है, जिसमें आपको पता होगा गुलजारबाग जो सचिवालय मुद्रालय है उसको मॉडर्नाइज हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इतना कबाड़ भर गया कि उसमें अब कुछ मतलब जगह ही नहीं बची है, तो उस कबाड़ को डिस्पोज करने के लिए मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार का उपक्रम है, उसके माध्यम से उसको डिस्पोज करेंगे। कबाड़ एक बार हट जाएगा फिर उसको हम लोग रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग नए प्रिंटिंग प्रोसेस के रूप में उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है वाणिज्य कर विभाग द्वारा वहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, तो वैट का डिजिटाइजेशन वहाँ होता है, तो डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा हो गए थे और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बढ़ते जाते हैं उसका जो लागत है डिजिटाइजेशन का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, उसी का पुनरीक्षित प्राकलन 25,00,000 का है, उसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था है, ये LL मिश्रा इंस्टीट्यूट है जो मैनेजमेंट और BCA और सब पढ़ाया जाता है, जिसका मैं खुद डायरेक्टर भी हूँ, तो इसमें पद सृजन किए गए हैं ताकि फैकल्टियों का अपॉइंटमेंट होने और स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट, जिसे पद जो शैक्षणिक पद है वह है 22, 51 हो गया आपके सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, जो फैकल्टी है 51 का एक और है, ये जो शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम जो है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पुराने एक्ट से गठित था 1956 का, उसको 2013 के नॉर्म्स में गठन किया, तो ज़्यादा संशोधन नहीं है, फिर प्रक्रिया और डेफिनेशन है जो 2013 में चेंज हो गई थी उसके अनुसार किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ब्रिज किशोर सदानंद, बिहार प्रशासनिक सेवा तत्कालीन वरीय उप समर्था सह प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा किशनगंज संपर्क बंदोबस्त पदाधिकारी कटियार को सेवा से बर्खास्त किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, एक फुलकाहा थाना भवन को सैरात की जमीन ट्रांसफर की गई, वहाँ पे उस जमीन पर अभी भी चलता है थाना, तो जमीन ऑफिशियली एक एकड़ गृह विभाग को स्थानांतरित की गई फुलकाहा थाना भवन का। राजस्व एवं भूमि सुधार का एक प्रस्ताव था जो मौजा सिंघवा में सिंघाव थाना 64-99 है, 16-17-18, इसमें बघा 2 में जो प्रखंड से अंचल कार्यालय सिंघाव है उसका भवन निर्माण के लिए जमीन का स्थानांतरण हुआ। कृषि विभाग के अंतर्गत जो भू एवं जल संरक्षण संबंधित योजना 45,98,80,900 का इसमें स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का कोची मेसी अंतर राज्य लिंक परियोजना है, उसका DPR निर्माण, कोची मेसी लिंक परियोजना जो है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है, उसमें 2,78,00,000 का उसका DPR निर्माण की स्वीकृति दी गई। अभी DPR बनेगा, उसके बाद जो एस्टिमेट आएगा उसके आधार पर फिर राजस्व का स्वीकृति की कार्रवाई करेगी। उद्योग विभाग मैंने आपको बताई दिया जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। शिक्षा विभाग में है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणधीन उप शास्त्रीय स्तरीय महाविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षक कर्मी को दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई जो हमारे